हे गाइस, वेलकम टू देसी निंजा। सो गाइस, आ चुका है मेरे पास एक नया लैपटॉप जो है एसर प्रेटर हीलियोस 300। एंड इससे पहले गाइस अपने पुराने लैपटॉप को बोल लेते हैं गुड बाय, जो मेरा था गाइस HP का। एंड इसमें था राइजन 5 विथ GTX 1650। एंड एक्चुअली 1.5-2 साल तक बहुत ही अच्छा चला, बट अभी गाइस अपग्रेड करने की बारी है एंड इसको फाइनल एक गुड बाय बोल लेते हैं। सो गुड बाय। एंड आ चुका हूँ इधर डायनेमिक कंप्यूटर से मेरा लैपटॉप का डिलीवरी लेने। एंड इधर मेरा लैपटॉप का अनबॉक्सिंग हुआ जा रहा है। सो देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से रैपिंग के साथ आया है। सो अभी देखते हैं गाइस एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगता है। আপাতত না, কিছুদিন পরে হয়তো লাগতে হবে। বহুত ফাইল থাকে না, এমনি ফুল হয়ে যাবে ভট করে। सो गाइस, लैपटॉप को लेके आ चुका हूँ घर एंड ये देख सकते हो। सो अनबॉक्सिंग तो उधर ही देख लिया गाइस, बट बाकी जो सब अंदर है मैं अभी दिखा दूंगा। तो इसको साइन इन कर लेते हैं। एंड गाइस देख सकते हो, लैपटॉप बहुत ही एक्चुअली अच्छा दिख रहा है। एंड ये देख सकते हो गाइस, लाइटिंग बहुत अच्छा है, ज़्यादा मतलब ब्लीड नहीं हो रहा लाइट्स एंड बहुत ही प्रॉपर है। एंड बाकी के कंट्रोल्स मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। सो ये रहा बॉक्स। से कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ओके, खुल जा भाई। ओ भाई मेरे, खुल जा। One eternity later. सो ये रहा वो बॉक्स जिसके अंदर लैपटॉप था। नहीं, एक्चुअली बहुत ही कूल दिखने में है। इसके अंदर कुछ और नहीं है गाइस, बस ये कपड़ा था जिसमें लैपटॉप था, ये बॉक्स बस, ये खाली। एंड देखते हैं मैनुअल वगैरह कहाँ है। सो ये और एक लिफाफा दिया है जिसको ओपन कर लेते हैं। एंड वाओ गाइस, सो ये आई थिंक कुछ स्टिकर्स दिया है। और ये वाला क्या है, ये है सेटअप गाइड जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये रहा मेरा सेटअप गाइड। सो ये भी गाइस सील्ड है। सो ये देख सकते हो गाइस, कुछ कूल स्टिकर्स जो है, प्लैनेट 9.gg, ट्रेनिंग डो नॉट एंटर, गुड लुक गेमर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एंड ये रहा मैनुअल, अंदर एक ट्रैवलर्स वारंटी दिया हुआ है एंड ये कॉल सेंटर का नंबर जो भी है मैनुअल के साथ। सो देख सकते हो, कोई भी हेल्पलाइन वगैरह चाहिए तो इसमें मिल जाएगा। एंड ये ट्रैवल अडेप्टर एक्चुअली बहुत ही भारी है। ये रहा इसका ट्रैवल अडेप्टर। सो गाइस अभी लैपटॉप को सेटअप कर लेते हैं एंड एक्चुअली देखते हैं फाइनल लुक कैसा देता है। सो अभी गाइस लैपटॉप को थोड़ा सा बूट कर लेते हैं। एंड इसका बूटिंग जो आवाज़ है ना गाइस, बहुत सही है। सो ऑन कर दिया, जैसे कि देख सकते हो लाइट ब्लिंक हो रहा है। एंड जो साउंड मारता है गाइस, सो ये साउंड गाइस बहुत ही कूल लगता है एक्चुअली। एंड बूटिंग टाइम भी बहुत कम है इसका, अराउंड 7-8 सेकेंड। सो व्हाट दी हेल। एंड इस पे एक बहुत ही कूल फीचर है जो है कि मैं अभी दिखा देता हूँ। यह है प्रेडेटर सेंस, जिसमें गाइस तुम फैन का स्पीड, लाइट मोड सब कुछ चेंज कर सकते हो। एंड ये मुझे एक्चुअली बहुत ही कूल लगा, ये ऐप के वगैरह सब कुछ होता है। सो देख सकते हो इधर CPU GPU जितना तुम एक्सट्रीम तक पुश करना चाहते हो कर सकते हो। इधर एक स्विच भी दिया हुआ है टर्बो मोड, जिससे गाइस पूरा मतलब फ़ैन का स्पीड मैक्स सेटिंग्स पे चलना चाहता है। एंड इधर से देख सकते हो CPU एंड GPU भी मैक्स पे क्लॉक हो जाता है। एंड इधर से गाइस जितना विंड ब्लो होता है, सो
ये जो वेंट्स है दोनों साइड पे बहुत विंड ब्लो होता है एंड लैपटॉप बहुत ही कूल हो जाता है, मतलब हॉट थोड़ा सा भी नहीं होता। कूलिंग है इसका बहुत ही अच्छा है। सो इधर से चार मोड है, ये क्वाइट, क्वाइट में कुछ आवाज़ नहीं होता। फिर आता है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में जैसे कि नॉर्मल में सीपीयू जीपीयू चला जाता है। उसके बाद एक्सट्रीम, थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस, एंड मैक्स है टार्बो, टार्बो में फिर से गाइस ये फ़ैन ऑन हो जाता है एंड फैन फुल मोड पे मतलब फुल पावर पे चलने शुरू कर देता है। फिर ये जीपीयू एंड सीपीयू भी फुल क्लॉक हो जाते हैं। इधर फैन कंट्रोल भी है जैसे कि देख सकते हो, मैं मोड अभी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। सो इधर मोनिटर कर सकते हो गाइस, सब कुछ डेटा दिया हुआ है, इधर मोनिटर कर सकते हो एंड लाइटिंग भी वगैरह चेंज कर सकते हो कीबोर्ड का। सो अभी देख सकते हो मैंने RGB किया था एंड ये RGB लाइट जल रहा है। सो लैपटॉप एक्चुअली बहुत ही कूल है एंड गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। मैं वैलोरेंट खेलता हूँ तो मुझे अराउंड 150-160 के आसपास FPS इजीली मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। और जो दिखाना था गाइस, इसका जो बैक लाइट है ये देख सकते हो, ये बैक लाइट बहुत ही कूल दिखता है। मैं अभी लाइट्स ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो ये बैक लाइट एक्चुअली बहुत ही कूल दिखता है, तो देख सकते हो रिफ्लेक्शन भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड ये सब गाइस थोड़ा स्पेशलिटी था इस लैपटॉप के बारे में। स्पेसिफिकेशन है मैं एक बार पर्टिकुलरली बता देता हूँ, ये है कोर i7-1180H 11th Gen, उसके साथ RTX 3060, 16 GB ऑफ रैम, 1 TB SSD एंड और क्या, एंड इधर 165Hz का 3ms स्क्रीन जो डिस्प्ले देख सकते हो, 2K डिस्प्ले है एंड बाकी सब तो तुमको पता ही होगा। एरोब्लेड इधर 3D फैन एंड टेक्नोलॉजी, 5th एरोब्लेड टेक्नोलॉजी एंड फैन का स्पीड एक्चुअली बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर बाकी सब तो नॉर्मल है, लैपटॉप एक्चुअली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक। एंड कुछ मैं इसका डिसएडवांटेज जो अभी तक नोटिस किया वो मैं बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हो ये लैपटॉप का पीछे वाला पार्ट, ये थोड़ा सा बेंड होता है, मुझे पता नहीं क्यों, मे बी इधर लाइटिंग दिया हुआ है इसीलिए, बट ये देख सकते हो उतना फ्रेजाइल लग रहा है, मतलब उतना हार्ड नहीं है ये जगह। इसमें गाइस केयरफुली वॉक करना। एंड और दो चीज़ इस लैपटॉप में थोड़ा सा बेकार है, वो है इसका जो कैमरा, इसका जो कैमरा है वो एक्चुअली बहुत ही बेकार है, मैं अभी दिखा देता हूँ। देख सकते हो इसका कैमरा मतलब बहुत ही लाइक लो क्वालिटी का है, उतना थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। अगर कोई स्ट्रीमिंग करना चाहता है तो डेफिनेटली एक फ्रंट कैमरा लगेगा। देख सकते हो हाथ पूरा ब्लर हो जा रहा है, इधर क्वालिटी बहुत ही बेकार है। लाइट्स ऑफ करूँगा तो थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा एंड इसका साउंड क्वालिटी भी उतना हाई मतलब लाउड नहीं है, चल जाता है मतलब उतना लाउड नहीं है साउंड। मैं थोड़ा सा इसको भी टच करके सुना देता हूँ। देख सकते हो ये स्पीकर ग्रिल, बट साउंड क्वालिटी उतना हाई भी नहीं है एंड उतना लाउड भी नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है साउंड। साउंड एंड कैमरा को छोड़ के बाकी सब कुछ इस लैपटॉप में बहुत ही अच्छा है, 165Hz का स्क्रीन है एक्चुअली। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता था वो है गाइस नीचे का डिज़ाइन, जो है गाइस वेंट्स बहुत ही अच्छा दिया गया है, जिसमें गाइस एयर फ्लो बहुत ही अच्छा होता है एंड एक्चुअली लुक भी बहुत ही सही दे रहा है लैपटॉप का। ये है गाइस सेटअप का फाइनल लुक एंड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। उतना कुछ खास नहीं है डेफिनेटली, बट जो भी है गाइस कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एक लॉन्ग टर्म भी रिव्यू देंगे कैसा लैपटॉप परफॉर्म करता है देर तक। अभी गाइस बाकी कुछ इश्यूज नहीं रहे, बहुत ही स्मूथ लैपटॉप है, गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है एंड स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तब भी ये लैपटॉप काम कर जाएगा। एंड गाइस इसका सबसे अमेजिंग लगा मुझे इसका बूट लोगो, जो बूट लोगो होता है ना गाइस पूरा मतलब कूल इफेक्ट देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।